जय श्री कृष्णा दोस्तों, जहाँ गाय की सेवा होती है, जहाँ पर भगवान के भजन होते हैं, जहाँ भागवत का पाठ होता है, वहाँ कल्याण ही कल्याण होता है। और कहते हैं कि वो भूमि वृंदावन होती है। हम वृंदावन हर व्यक्ति जा नहीं सकता, लेकिन वृंदावन की उस माटी की खुशबू को महसूस कर सकता है भगवान के भजन और भगवान की कथा के द्वारा। एक ऐसा ही कार्यक्रम जो गौ सेवा को समर्पित है और भगवान की कथा है, श्रीमद् भागवत कथा, जो कि पावन कथा कलयुग की कही गई है और सुजानगढ़ में यह आयोजित होने जा रही है। जब हम सुजानगढ़ में, जिसे लाडनू साइड का एक नंबर फाटक बोलते हैं, उससे हम बाज़ार की तरफ जो ही उस रोड पर आगे बढ़ते हैं, तो एक बहुत ही फेमस जगह है जो तिराहा है, स्वामी जी की दुकान के नाम से। और उसके सामने ही एकदम, यानी मैं कहूँगा कि शहर की हृदय स्थली बीचों बीच ये कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। और कार्यक्रम की रूपरेखा जो है, मेरे साथ में मौजूद भी हैं जो कि व्यासपीठ पर कथा व्यास के रूप में मदन जी स्वामी विराजमान होंगे, आप मौजूद हैं। यजमान के रूप में, जिनके द्वारा, या क्यों कहें कि हरि ने जिनको माध्यम बनाया है, वो है सोनी जी तिवाड़ी, यहाँ मौजूद हैं। ये कुछ गणमान्य लोग और भी मौजूद हैं। महाराज श्री, बहुत ही पावन कार्य आप करने जा रहे हैं, और इसके बारे में रूपरेखा विस्तार से दर्शकों को बताएं। कौशिक जी को बड़ा धन्यवाद, इन्होंने मानो मेरे हृदय के उद्गार हैं वो प्रकट किए हैं, मेरी जो भावना है उन्हीं को इन्होंने शब्द दिए हैं। देखो, मेरे जीवन का जो उद्देश्य है वो ये है कि जब तक मेरे तन में प्राण रहे, चेतना रहे, तब तक मैं ईश्वर की कथाओं का प्रचार प्रसार करूं, यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य के अंदर जैसे गौ सेवा है, किसी गरीब की सहायता है, आदि आदि भाव भी है, वो सिद्ध होते हैं तो मैं अच्छा मानता हूँ। इन्हीं भावों को माध्यम बनाकर ये जो गौ सेवार्थ भागवत कथा रखी गई है, जिसके अंदर मुझे वक्ता के रूप में निमित्त और बाईसा को ये मुख्य यजमान के रूप में निमित्त, वैसे ये कथा सर्व समाज की है, किसी एक समाज, किसी एक व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि कोई भी आयोजन है वो एक व्यक्ति है वो सिद्ध नहीं कर सकता। तो इस भाव को हम भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए ये भाव अर्पित करते हैं कि ये जो कथा है ये सर्व समाज अर्थात सभी की है। तो आप सभी को मैं हाथ जोड़कर सह परिवार इस कथा के अंदर आमंत्रण निमंत्रण देता हूँ। इस कथा के अंदर सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है सातों दिनों के अंदर, तो आप सह परिवार परिवार पधारिए, यहाँ प्रसाद है उसे ग्रहण कीजिए और साथ ही साथ भागवत और नानी बाई के मायरे का रसपान कीजिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। और कार्यक्रम शुरू होने वाला है, जस्ट बस एक दो दिन का ही अंतराल बाकी है। 1 सितंबर आने वाली 1 तारीख से ये भागवत कथा का कार्यक्रम यहाँ से शुरू होने वाला है, और 1 तारीख को सबसे पहले सुबह सुबह 9 बजे तिरुपति बालाजी, जो कि वेंकटेश्वर भगवान के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है सुजानगढ़ में, वहाँ से दिव्य कलश यात्रा, मंगल कलश सिर पर धारण किए हुए हजारों महिलाएं इस कथा स्थल की ओर यहाँ पर आएंगी। आप कथा स्थल पर आएँ उससे पहले आप वहाँ कलश यात्रा में शामिल हों। और कथा का समय महाराज जी किस तरह का रहने वाला है? कथा का समय रहेगा 12:15 बजे से 4:15 बजे तक, बिल्कुल। और इसके अंदर सभी से ये अनुरोध है कि माताएं, बहनें, बेटियाँ कलश अपने घर से लेकर तिरुपति मंदिर पहुँचे, बिल्कुल बिल्कुल। और इस कार्यक्रम में भागीदार बनना अपने आप में, मैं कहूँगा कि सौभाग्य की बात है, क्योंकि और आपका भाव मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस कथा के पीछे जो है गौ सेवा ही आपका भाव है, और गाय की सेवा जो प्रमुख जो सेवा कही गई है संसार में उनमें से एक है, जैसे गौदान, कन्यादान एक प्रमुख कहे गए हैं, और उसी तरह का ये कार्यक्रम है। महाराज जी, क्या आकर्षण रहेगा, जरा दर्शकों को ये जरूर बताएं। इस कथा के अंदर भव्यता और दिव्यता आपको दोनों दर्शन देगी, बिल्कुल, क्योंकि भव्यता है वो दिव्यता के बिना अधूरी है, बिल्कुल। हम ये मान सकते हैं कि ये आयोजन है वो हमारे द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो रहा है, पर यह केवल हमारी भूल है, क्यों कि इसमें देवी शक्ति ही कारक है। जब तक ईश्वरीय शक्ति नहीं उतरेगी तब तक ऐसे कार्यक्रम हैं वो सफल नहीं होंगे। तो इसमें भव्यता और दिव्यता दोनों है। तो भव्यता की बात यह है कि इसके अंदर झांकियों का पूरा भाव रखा गया है, प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है, जैसे जैसे प्रसंग चलेंगे वैसे वैसे झांकियाँ अपना भाव प्रकट करेगी, और वो टेंट है वो वाटरप्रूफ रखा गया है, अर्थात जो जो आवश्यकताएं होती है मुख्य रूप से उन सभी को ध्यान में रखते हुए आयोजन किया गया। और बिल्कुल, खासकर जो लोग पसंद करते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है
उस दिन विशेष रूप से लोग आना पसंद करते हैं। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण के विवाह के समय उपस्थित भारी संख्या में होते हैं और उसमें एक जो आपको सजीव झांकियां आपको देखने को मिलेगी, आप न सिर्फ कथा का रसपान आप अपने कानों से कर पाएंगे बल्कि आँखों से देखने लायक नज़ारा यहाँ का होगा। और दिव्य नज़ारा, तैयारी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, टेंट लगना शुरू हो चुका है, पूरी तैयारियाँ यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है। फिर से मैं इस एड्रेस को रिपीट कर देता हूँ कि हम सुजानगढ़ में लाडनू की तरफ, रेलवे स्टेशन के लाडनू की तरफ जब हम बढ़ते हैं, जो एक नंबर फाटक नाम से जो प्रसिद्ध है, उस रोड से हम जो ही बाजार की तरफ सीधा जो रोड आता है उसमें आते हैं, जहाँ तिराहा बनता है, स्वामी जी की दुकान है, सभी जानते हैं, उसके ठीक सामने ये कथा स्थल मौजूद है, जहाँ पर आप नियमित रूप से 1 सितंबर से अपने सप्तदिवसीय इस भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आप आनंद लेंगे, आहुति देंगे, अपने जीवन को धन्य करेंगे। और मैं तो कहूँगा कि यही वृंदावन और यही मथुरा धाम होने वाला है। और जिनके कहूँगा कि निमित्त भगवान ने जिनको बनाया है, उनकी क्या भावना इसके पीछे, भी सुजानगढ़ के आसपास के निवासियों से अनुरोध है कि आप सभी इस कथा को रसपान करें। और सभी से निवेदन करती हूँ कि 7 दिन का प्रोग्राम है ये भागवत कथा का, ये आप सभी को आना। गौ सेवार्थ श्रीमद् भागवत कथा और नानी बाई का मायरा का दिव्य आयोजन शुरू होने जा रहा है सुजानगढ़ में। और ये कलश यात्रा है 1 सितंबर को सुबह 9 बजे तिरुपति बालाजी मंदिर से कथा स्थल की ओर। और इसी तरह भागवत कथा का जो समय है वो 1 सितंबर से 7 सितंबर तक 12:15 बजे दोपहर से लेकर के 4:15 बजे तक रहेगा प्रतिदिन। और नानी बाई का मायरा वो भी रात्रि 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। और ये कथा स्थान है राजश्री निवास चंपालाल जी हरि शंकर जी तिवाड़ी स्वामी जी की दुकान के सामने, सांखलाबास लोहारा गाडा रोड सुजानगढ़। और कथा व्यास पर राधा रसिक मदन जी स्वामी विराजमान होंगे और साथ ही मायरा वाचिका राधा स्वरूपा सुमन जी तिवाड़ी। तो सभी से निवेदन है, ज़रूर पधारें।